श्री गुरु ग्रंथ साहब सौठी महला पंजवां मात गर्भ दुख सागरो प्यारे ते अपनू नाम जपाया बारी काढ़ी विखु पसरिया प्यारे माया मोह बताया। जिसनू कीतो करम आपी प्यारे तिसु पूरा गुरु मिलाया। सो आराधे सांसी सांसी प्यारे राम नाम लिव लाया। मनि तनि तेरी टेक है प्यारे मनि तनि तेरी टेक तुतु बिन अवर न करन हर प्यारे अंतर जामी एक। हे प्यारे भाई माँ का पेट दुखों का समुद्र है वहां भी प्रभु हरि ने जीव से अपने नाम का स्मरण कराया। माँ के पेट से उत्पादित करके प्रभु ने माया मोह की जहर बिखेर दी और जीव के हृदय में माया का मोह बढ़ा दिया। हे भाई अब वह जिस मनुष्य पर कृपा करता है उसे पूर्ण गुरु से मिलाता है। वह मनुष्य प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा हरि का स्मरण करने लगता है और परमात्मा के नाम की लगन अपने भीतर बनाए रखता है। जिसनो कीतो कर्मो आपी प्यारे तिसु पूरा गुरु मिलाया सो आराधे सांसी सांसी प्यारे राम नाम लिव लाया। हे प्रभु जी मन तन में तुम्हारा ही आसरा है तुम अंतर्यामी हो तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हो। मनी तनी तेरी टेक है प्यारे मनी तनी तेरी टेक तुद्दो बिन अवरु ना करन हारो प्यारे अंतर जामी एक। कोटि जन्म प्रमी आया प्यारे अनेक जोनी दुख पाई साचा साहिब विसारिया प्यारे बहुती मिले सजाई। जिन पेटे पूरा सतगुर प्यारे से लागे सच्चे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारे जो साची सरनाई। हे प्रभु जी मन तन में तुम्हारा ही आसरा है। हे भाई जी अनेक योनियों में दुख सहन करके करोड़ों जन्मों में भटक करके मनुष्य जन्म मिलता है। कोटि जन्म प्रभु आया प्यारे अनेक जोनी दुख पाए अब इसे सत्य स्वरूप मालिक विस्मृत हो जाता है और इसको बड़ी सजा मिलती है। किंतु जिन मनुष्यों को सतगुरु मिलता है वे सत्य पुरुष प्रभु हरि के नाम में सुरती लगाते हैं। हे भाई जी जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु हरि की शरण लेते हैं उनके पद चिन्हों पर चल करके मोह से बचा जा सकता है। जिन पेटे पूरा सतगुर प्यारे से लागे सच्चे लाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारे जो साची सरनाए। मिठा करी के खाया प्यारे तिनी तनि कीता रोगो कोड़ा होई पति सत्या प्यारे तिस्ते उपजिया सोगो भोग पहुंचाई पुलाई नु प्यारे उतरे नहीं वे जोगो जो गुर मेली उदारिया प्यारे तिन तुरे पाया संजोगो। हे भाई जी मनुष्य ने दुनियावी पदार्थों को मीठा मान करके खाया उस मीठे ने उनके शरीर में रोग पैदा कर दिया और वह रोग दुखदायक होकर के शरीर में टिक जाता है। उस रोग से ही चिंता पैदा होती है। दुनियावी पदार्थ खिला खिला कर उस परमात्मा हरि ने जीव को कुमार गामी बनाया हुआ है। परमात्मा के साथ जीव का विच्छोह इसी कारण समाप्त नहीं होता। जिन जीवों को प्रभु हरि ने गुरु से भेंट करा करके माया मोह से बचा लिया है परमात्मा हरि के द्वारा लिखे लेख के अनुसार उनका प्रभु हरि से मिलाप हो गया। भोग पुचाई पुलाई नु प्यारे उतरे नहीं बिजोगो जो गुरु मेली उतरिया प्यारे तिन तुरे प्या संजोगो।
माया लालची अटिया प्यारे, चिति न आवी मूली, जिंतु विसरी पार ब्रह्म स्वामी, से तन होए तूड़ी, बिल लाट करी बहु तेरिया प्यारे, उतरे नाही सोलो, जो गुरु मिली सवारिया प्यारे, तिसका रिया मूलू। हे प्यारे प्रभु जी, जो मनुष्य माया के लोभ में ग्रस्त रहते हैं, उनके हृदय में तुम बिल्कुल ही नहीं बसते। हे मालिक प्रभु जी, जिन्हें तुम विस्मृत हो जाते हो, उनके शीर मिट्टी हो जाते हैं, वे बिलखते हैं, लेकिन उनके भीतर का दुख दूर नहीं होता है। जो गुर मेली सवारिया प्यारे, तिनका रिया मूल, बिल्लाट करी बहु तेरिया प्यारे, उतरे नाई सुलु। साकत संगु ना कीजे प्यारे, जेका पारी वसाई, जिस उमिलिये हरि विसरे प्यारे, सो मुहि काले उठी जाई, मन मुख टोई ना मिले प्यारे, तरका मिले सजाई, जो गुर मिले सवारिये प्यारे, तिन्ना पूरी पाई। हे भाई जी, जहाँ तक संभव हो सके परमात्मा से वियुक्त व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को मिलने से परमात्मा हरि विस्मृत हो जाता है। कुछ संगति करने वाला व्यक्ति बदनामी पा करके दुनिया से चला जाता है। हे भाई जी, स्वेच्छाचारी मनुष्य को प्रभु के दरबार में जगह नहीं मिलती, बल्कि वह सजा का अधिकारी बनता है। लेकिन हे भाई, गुरु के साथ मिलाकर के जिन मनुष्यों का जीवन परमात्मा ने सुंदर बना दिया है, उसे सफलता प्राप्त होती। मनमुखी तोई न मिले प्यारे, दरगा मिले सजाई, जो गुर मिले सवारिया प्यारे, तिन्ना पूरी पाई। संजम सहत सियान पा प्यारे, इक न चली नाली, जो बेमुख गोविंद ते प्यारे, तिन कुली लागे लगाली, ओदी वस्तु ना जातिया प्यारे, कुड़ू न चली नाली, सतगुर जिन्ना मिलाया उन्नू प्यारे, साचा नाम संभाली। हे भाई जी, मनुष्य चाहे हजारों संयम और चतुराइयां करता रहे, इनमें से एक भी चीज सहायक नहीं बनती। जो मनुष्य परमात्मा हरि से अपना मुंह मोड़े रखते हैं, उनके वंश में कलंक का टीका लग जाता है। नास्तिक मनुष्य हृदय में अवस्थित हरि नाम से मेल नहीं करता, लेकिन नश्वर पदार्थों में कोई भी साथ नहीं देता। हे भाई जी, जिन मनुष्यों को उस परमात्मा हरि ने गुरु मिला दिया है, वे सत्य स्वरूप हरि नाम हृदय में बसाए रखते। सतगुर जिन्ना मिलाया उन्नू प्यारे, साचा नामो संभाली। संत संतोखु ज्ञानु त्यानु प्यारे, जिसनु नदरी करे, अंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे, अमृत पूर परे, दुख सागरु तिन लंग्या प्यारे, पावजलु पारी करे, जिसु पावे तिसु मेली लेही प्यारे, सही सदा खरे। हे भाई जी, जिस मनुष्य पर परमात्मा हरि कृपा दृष्टि करते हैं, उनके भीतर सेवा, संतोष, ज्ञान, ध्यान पैदा होते हो जाते हैं। वे मनुष्य प्रतिपल परमात्मा की गुण स्तुति करता है, प्रभु के गुण स्मरण करता रहता है। वे आत्मिक जीवन देने वाले नाम जल से पूर्ण रूपेण आपूरित रहता है। वह मनुष्य दुखों के समुद्र से पार उतर जाते हैं और संसार समुद्र से पार उतर जाते हैं। हे प्यारे प्रभु, जो तुम्हें भला लगता है, उसे अपने साथ मिला लेते हो, वह व्यक्ति सदा के लिए सदाचारी हो जाता है। दुख सागरो तिन लंग्या प्यारे, पावजलो पारी परे, जिसो पावे तिसो मेले ले प्यारे, सही सदा खरे। समरत पुरख दयाल देव प्यारे, भगता तिसका तानू, तिसु सरनाई तही प्यारे, प्यारे की जी
अंतर जामी जानू, हलतो पलतो सवारे आ प्यारे, मस्त की सच्चु निशानू, सो प्रभु कदे ना विसरे प्यारे, नानक सद कुर्बानू। परमात्मा समस्त शक्तियों का मालिक है, सर्वव्यापक दया का घर और प्रकाश स्वरूप है। भक्तों को सदा उस प्रभु का आसरा रहता है। हे भाई जी, भक्त उस परमात्मा हरि की शरण में रहते हैं जो अंतर्यामी है और विवेकी है। हे भाई, जिस मनुष्य के मस्तक पर सत्य स्वरूप परमात्मा हरि अपनी छाप लगा देता है, उसका ये लोक तथा परलोक सवर जाता है। नानक जी का कथन है कि हे भाई, मैं परमात्मा हरि मुझे कभी विस्मृत ना हो, मैं उस पर सदा बलिहार जाता हूं। अलतो पलतो सवारिया प्यारे, मस्त की सच्चु निशानू, सो प्रभु कदी ना विसरे प्यारे, नानक सत कुर्बानू। सौठी मैला पंजवा करू दो असत पदिया, एक कमकार सतगुर प्रसादी, पाठो पढ़ियो अरु वेदु विचारियो, निवली प्यंगम सादे, पंच जनासो संग ना छुटकियो, अधिक एम बुद्धि बाधे, प्यारे इन विधि मिलनु ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हरि परियो स्वामी के द्वारे, तीजे बुद्धि विवेक का। कोई मनुष्य वेद का पठन पाठन करता और चिंतन करता है, खड़े होकर के साधना करता है, कोई सांस नियंत्रण द्वारा कुंडलियों को जगाता है, लेकिन इनके द्वारा पांचों काम आदि से मुक्ति नहीं होती, बल्कि जीव और अधिक अहंकार में बंध जाते। हे भाई जी, मेरे देखते हुए लोग अनेक कर्म करते हैं, लेकिन इन तरीकों से परमात्मा हरि के चरणों में जगह नहीं प्राप्त की जा सकती। मैं तो इन कर्मों का आश्रय छोड़ करके मालिक प्रभु हरि के द्वार पर आ गिरा हूं। प्रार्थना है कि मुझे शुभ अशुभ की परख कर सकने वाली बुद्धि दे। हरि परि और स्वामी के द्वारे दीजे बुद्धि विवेक का। मुनि प्यो कर पाती रहो, नगन फिरियो बन माई, तट तीरथ सब तरती प्रम्यो, दुविधा छुटके नाई, मन कामना तीरथ जाई जवसियो, श्री करवत तराए, मन को मैलू ना उतरे इन विधि, जे लख जतन कराए, कनक कामनी हैवर गैवर, बहुविधि दानु दतारा, अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे, ना मिलिए हरिद्वारा। हे भाई जी, कोई मनुष्य मौन लगाए बैठा है, कोई हाथों को ही बर्तनों के रूप में इस्तेमाल करता है, कोई जंगल में नगन फिरता है, कोई मनुष्य समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहा है, कोई समस्त पृथ्वी का भ्रमण पर्यटन कर रहा है, लेकिन इस प्रकार भी मन का चांचल्य समाप्त नहीं होता। तट तीरथ सब तरती प्रम्यो, दुविधा छुटके नहीं। हे भाई जी, कोई अपनी मनोकामना के अनुसार तीर्थों पर जा बसा है, कोई मुक्ति का इच्छुक सिर पर आरा रखाता है, लेकिन चाहे कोई इस प्रकार के लाखों यत्न करे, उसके मन का मैल नहीं उतरता। मन की मैलू ना उतरे ई विधि, जे लख जतन करावे। कोई मनुष्य सोना स्त्री बढ़िया घोड़े और बढ़िया हाथी जैसे कई प्रकार के दान करने वाला है, कोई मनुष्य अन्न दान करता है, कपड़े दान करता है, भूमि दान करता है, पर इस प्रकार भी परमात्मा हरि के द्वार पर पहुंचा नहीं जा सकता। अन्न वस्त्र भूमि बहु अर्पे, ना मिलिए हरि द्वारा। पूजा अर्चा वंदन दंडोत, खटु कर्मा रतु रहता, हूं करत बंधन में परिया,
ना मिलिए इह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी करी करी रिया वड्डी आरजा फिरी फिरी जन्मे हरी सो संग न गया। हे भाई जी, कोई मनुष्य देव पूजा करने में, देवताओं को दंडवत प्रणाम करने में, छह प्रकार के कर्मों को करने में मस्त रहते, तो भी वह इन कर्मों को अहंकार वश करते हुए बंधनों में जकड़े जाते हैं। इस तरीके से भी प्रभु को नहीं मिला जा सकता। हम करत बंधन में परया ना मिलिए इह जुगता पूजा अर्चा वंदन डटोत खटु कर्मा रहो करता। योग मत में सिद्धों के प्रसिद्ध 84 आसन है। ये आसन कर करके भी मनुष्य थक जाता है। योगी उम्र तो लंबी कर लेता है, परंतु इस प्रकार प्रभु से एक नहीं होता, वह भी बार बार जन्मों के चक्कर में पड़ा रहता है। वड्डी यार जा फिरी फिरी जन्मे हरी सो संग न गया। राज लीला राजन की रचना करिया अकुमु अफारा सेज सोइनी चंबनु चोवा नरक कोर का द्वारा। हरी कीर्ति साध संग संगति है श्री कर्मन के कर्मा कहूं नानक तिसु पियो परापति जिसु पूरब लिखे का लेना। तेरे सेव को एहो रंगी माता प्यो किरपालु दीन दुख पंजनो हरि हरि कीर्तनु इह मनुराता। हे भाई जी, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो शासन का आनंद भोगते हैं, राजाओं के तुल्य ठाठवाट बनाते हैं, लोगों पर हुक्म चलाते हैं, कोई भी उनका हुक्म टाल नहीं सकता, सुंदर स्त्री की सेज का आनंद भोगते हैं, शीत पर चंदन और इत्र लगाते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो भयानक नरक की ओर ले जाने वाला है। हे भाई जी, सत्संगति में बैठ करके प्रभु की गुण स्तुति करनी, यही सर्वोत्कृष्ट कर्म है। लेकिन नानक जी का कथन है कि ये अवसर उस मनुष्य को ही मिलता है जिसके मस्तक पर पूर्व कृत कर्मों के संस्कारों के अनुसार लेख लिखा होता है। हरि कीर्ति साध संगति है श्री कर्मन के कर्मा कहूं नानक तिन्नो प्यो प्रापति जिस पूरब लिखे न का लेना। हे प्रभु जी, तुम्हारा सेवक तुम्हारी गुण स्तुति के रंग में मस्त रहता है। हे भाई जी, दीनों के दुख दूर करने वाला प्रभु जिस मनुष्य पर दयालु होता है, उसका मन प्रभु हरि की गुण स्तुति के रंग में रंग जाता है। तेरो सेव को यही रंगी माता प्यो किरपालो दीन दुख पंजनो हरि हरि कीर्तनी इह मनुराता। रागु सोठी वार महले चार की एकमकार सतगुर प्रसादी श्लोको मेला पहला। सोठी सदा सुहागनी जे सच्चा मनी होई तेंदी मेलो न कत्तू मनी जिब्बे सच्चा सोई। ससरे पहिए पै वसी सतगुर सेवी निसंग पर हरि कपड़ू जे पिर मिले खुशी रावे पिरु संगी। सदा सिगारी नाउ मनी कदे न मैले पतंगू देवर जेठ मुए दुखी ससु का डरो किसु। जे पेर भावे नानक कर्मा मनो सबु सच्चो सच्चो। सोठी रागनी सदा सुंदर लगे यही सत्य स्वरूप प्रभु मन में अवस्थित हो, निंदा करने की वृत्ति नहीं रहे, मन में किसी के प्रति वैर नहीं रहे,
जी हाँ, पर सदैव उस सच्चे प्रभु का स्मरण हो। इस प्रकार जीव रूपी स्त्री लोक परलोक में परमात्मा के भय में जीवन गुजारती और गुरु की सेवा करके निशंक हो जाती। यदि जीव रूपी स्त्री दिखावा त्याग करके प्रभु पति को मिले तो पति प्रभु भी संतुष्ट होकर के उसे अपने साथ मिला लेते हैं। जिस जीव रूपी स्त्री के मन में प्रभु का नाम स्थिर हो वह हमेशा नाम अलंकार से अलंकृत रहती है और उसे विकारों का तनिक भी मैल नहीं लगता। उस जीव रूपी स्त्री के कामादिक विकार समाप्त हो जाते हैं, उस पर माया का भी कोई दबाव नहीं रह जाता। हे नानक जी, यदि जीव रूपी स्त्री प्रभु पति को भली लगे तो उसे भाग्यशाली समझो, उसे सर्वत्र सच्चा प्रभु ही दृष्टि कहते होता है। सोठी तामी सुहाव गुनी जा हरि नाम डंडोले, गुरपुरखो मनावे अपना गुरमति हरि हरि बोले। हरि प्रेमी कसाई दिन सु राती, हरि रति हरि रंगी चोले। हरि जैसा पुरखु न लब्बे सद देखिया जग तू मैं टोले। गुरु सतगुर नाम दड़े आया मनु अनत न काहू डोले। जन नानको हरि का दासू है गुरु सतगुर के गोल गोले। सोठी रागनी तभी सुंदर है यदि इसके द्वारा हरि नाम की खोज की जाए, अपने महान पति हरि को प्रसन्न करे और सतगुरु की शिक्षा लेकर के प्रभु का स्मरण करे। रात दिन हरि के प्रेम में बद्ध होकर के अपने शरीर को प्रभु के रंग में रंग ले। मैंने तमाम संसार छानबीन करके देख लिया, परमात्मा जैसा कोई पुरुष नहीं मिला। गुरु ने हरि का नाम मेरे हृदय में दृढ़ किया है, अब मेरा मन कहीं भी विचलित नहीं होता है। नानक गुरु का दास है और गुरु परमात्मा के सेवकों का सेवक है। जन नानको हरि का दासु है गुर सतगुर के गोल गोले। तो आपे सृष्टि करता सिर्जन हारिया, तदो आपे खेलू रचाया तदो आपी सवारिया। दाता करता आपी आपी पोगन हारिया, सबू तेरा साधु वरते वो पावन हारिया। हम गुरमुखी सदा सलाही गुर को वारिया। हे सृजनहार प्रभु जी, तुम स्याही संसार के सजग हो। तुमने ये संसार खेल रच करके स्यामींद इसे सुंदर बनाया, तुम स्याम ही सृजनहार हो। इस संसार को देने वाले भी तुम ही हो और उस देन की भोगने वाले भी तुम हो। हे सृष्टि उत्पादित करने वाले, सर्वत्र तुम्हारा हुक्म व्याप्त है, लेकिन मैं अपने सतगुरु पर बलिहार हूं जिनके सानिध्य में रह करके तुम्हारी गुण स्तुति कर सकता। दाता करता आपे आपी जो बौकन हारिया, सबू तन सबदु वते उपावन हारिया। हम गुरुमुखी सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोकों मेला तीजा। अवे जलते जरी मुई प्रमी आए दूजे पाई, पूरे सतगुरु राखी लिए अपने पन्ने पाई। इही जगु जलता नदरी आया गुर के शब्द सुबाई, शब्दी रत्ते से शीतल पे नानक सच्चु कमाई। संसारिक जीव अहमत्व में जलते हुए मर चुके थे और जब वे मोह में भटक भटक कर गुरु के द्वार पर आए तो गुरु ने उन्हें आश्रय देकर के बचा लिया।
उन्हें सतगुरु के ज्ञान द्वारा सचमुच ही ये संसार जलता हुआ लगा। इसलिए हे नानक जी, वे गुरु के शब्द में रंग करके और नाम स्मरण की कमाई करके शांत हो गए। शब्दी हृदय शशि तड़पे, नानक सच कमाया। सफरियो सतगुर सेविया, तनु जन्म परवानु, जिन्ना सतगुरु जीव दिया, मोया न विसरे सही पुरन पुसजान, कुल्लु उदारे अपना सो जन होवे परवानु, गुरमुख मुए जीव दे परवानु, हही मनमुख जन्मी मराही, नानक बोए न आखिए जे गुर के शब्दी समाई। उन मनुष्यों द्वारा सतगुर की सेवा सफल है और उनका जन्म भी प्रशंसनीय तथा प्रमाणिक है। वही मनुष्य बुद्धिमान है जिन्हें तमाम उम्र सतगुर कभी विस्मृत नहीं हुआ। ऐसा उपासक प्रभु दरबार में स्वीकृत हो जाता है और अपने वंश का भी उद्धार कर लेता है। सतगुर के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य स्वीकृत हैं, लेकिन स्वेच्छाचारी मनुष्य जन्मते मरते रहते हैं। हे नानक जी, जो मनुष्य सतगुरु के शब्द में लीन हो जाते हैं उन्हें मृत नहीं कहा जा सकता। नानक मुई ना आखिए जे गुरु के शब्द समय, हरि पुरखो निरंजनो सेवी हरि नामो त्याइये, सत्संगति साधु लगी हरे नामी समाइये, हरि तेरी वड्डी कार में मूरख लाइये, हम गोला लाला तद्धु में हुकुम फरमाइए, हम गुरमुखी कार कमावा जे गुरी समझाइए। माया रहित अकाल पुरुष की सेवा करके उसका नाम स्मरण करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रह करके हरि के नाम में लीन हुआ जा सकता है। ये हरि मुझे मूर्ख को अपने बड़े काम अर्थात भक्ति में लगा लो, मुझे हुक्म दो, मैं तुम्हारे दासों का दास हूं। सतगुरु ने भी काम समझाया है, उसे मैं उसके सानिध्य में रह करके कर सकूं। हम गोला लाला तुद्दू में हुक्म फरमाया, हम गुरुमुखी कार कमामा जे गुरु समझाया।